हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली एनसीआर में बारिश से हालत खराब हो रही है, जगह जगह जल जमाव है, कई जगह सड़कें खराब हो रही हैं, लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हमारे साथ जगदीपिका पाल जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन अर्बन डेवलपमेंट के चेयरमैन हैं। सर, ये मुद्दा आप लोगों के समक्ष हमेशा आता रहा है, अभी कुछ दिनों पहले भी इस पर एक बैठक हुई थी। क्या ऐसी हालत क्यों होती है, मिंटो ब्रिज हो, कोई भी अंडर पास हो, थोड़ी सी बारिश होती है हालत खराब हो जाती है, ऐसी हालत क्यों होती है? मुझे लगता है कि दिल्ली में करीब 80 ऐसी जगह हैं कि जहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है अगर बारिश होना शुरू हो जाती है, इसको वल्नरेबल पॉइंट कहते हैं। इन लोगों ने आइडेंटिफाई भी किया है, पिछले दिनों इन लोगों ने जो अपने प्रस्तुतिकरण में कहा था, और मिंटो ब्रिज की एक घटना आई थी उस संबंध में, या एनसीआर में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो निश्चित तौर से इसके लिए कुछ इस तरह के भी उपाय करना होगा कि इसका एक शॉर्ट टर्म हो, क्योंकि अगर बारिश होती है तो इमीडिएट किस तरीके से वो पानी को पंप आउट किया जा सकता है कि जिससे दिल्ली वासियों को असुविधा ना हो, या एनसीआर में जैसे आप देख रहे हैं लगातार कि गुड़गांव में या और सब परिस्थितियों में हो रहा है, उनको भी कठिनाई ना हो। तो इस सिलसिले में पिछले दिनों हम लोगों की जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी अर्बन डेवलपमेंट की है उसमें बैठक हुई थी, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली में बहुत मल्टीपल एजेंसीज हैं, 3-3 MCD हैं, इसके साथ NDMC है, दिल्ली की PWD की सड़कें हैं उसके साथ ड्रेनेज है, जल बोर्ड है उसके ड्रेनेज हैं, इसी तरीके से इरीगेशन एंड फ्लड कंट्रोल की भी कुछ ड्रेनेज है, और इसी तरह से जब कई एजेंसीज है तो उसके कारण आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता था। लेकिन अब उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के सामने जो कहा है, वो उन्होंने चीफ सेक्रेटरी ने ये कहा है कि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के लिए, जिस तरह से चीफ सेक्रेटरी दिल्ली की है एक अध्यक्षता में अब लगातार होगा, क्योंकि आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करें, क्योंकि MCD है तो उसमें रहती काम दिल्ली के साथ करती है, पॉलिसी बनाने का काम MHA भी करती है, MHA के भी लोग थे। तो मुझे लगता है कि मिंटो ब्रिज वाली घटना के बाद उस दिन जब उन्होंने प्रेजेंटेशन में कहा था तो उन्होंने कहा कि हमने साहब एक नया सिस्टम डेवलप किया है कि हम जैसे बारिश हो रही है तो हम जो अंडर पास है मिंटो का वो इमीडिएट कैमरा पे दिखाई पड़ने लगता है, और दूसरी तरफ कितनी बारिश हो रही है पंप हाउस इमीडिएट स्टार्ट हो जाता है, और उसको दोनों को हम रिकॉर्डिंग होनी शुरू हो जाती है, उसकी 7 दिन की फुटेज भी रिकॉर्ड होगा, और ये हमने ऐप पे भी डाल रखा है, इमीडिएट अधिकारियों को भी इसकी सूचना हो जाती है। तो आज जहाँ पूरी दिल्ली और NCR बारिश, पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है, तो वहाँ पे जिस तरह से डूबी हुई है, तो मिंटो ब्रिज पे इसके बावजूद भी कल और आज जो सबसे पहले कठिनाई उत्पन्न होती थी उस पर उन लोगों ने उपाय किया है, और जिसके कारण मिंटो ब्रिज में आज पानी नहीं है और वहाँ पे ट्रांसपोर्ट या आवागमन जारी है। तो मुझे लगता है इसी तरह का उपाय सभी एजेंसीज को मिल करके, और जितनी जगहों पे है, जैसे आज प्रहलादपुर की बात आ रही है, कुछ और इलाकों की आ रही है, NCR की भी आ रही है, तो इस तरह से अगर किया जाए तो ऐसा कोई कारण नहीं है। उस दिन ये भी बात आई थी कि साहब एक एजेंसी का अगर ड्रेनेज है, हमने डाला पानी, आगे किसी दूसरी एजेंसीज का वो चोक है, तो स्वाभाविक है कि फिर ऐसे भी बात आई है कि इन पानी को जो अभी एक ड्रेनेज से दूसरे के ड्रेनेज डालते हैं, क्यों ना इस पानी के लिए नए ड्रेनेज बना करके और उसको आप यमुना में डाल सकते हैं क्लीन करके वाटर ट्रीटमेंट। ड्रेनेज की समस्या तो चूंकि दिल्ली नहीं, हर शहरों में ये होती है, तो इसको आपको लगता नहीं कि इसको फिर से या तो रिकंस्ट्रक्ट करिए, रीस्ट्रक्चर करिए, पूरा एक तरह से बनाइए, इसकी भी ज़रूरत है? देखिए, इसमें बहुत बड़ा काम स्वच्छ भारत अभियान में हो रहा है। आज हमारा जो शहरी विकास मंत्रालय है उसने देश के आज 100 स्मार्ट सिटी जोड़े हैं, 500 ऐसी जिसकी 1 लाख से आबादी ऊपर है उसको हमने अमृत योजना में जोड़ा है। अमृत योजना में हमने 1 लाख करोड़ का जो एलोकेशन किया उसमें 50,000 करोड़ भारत सरकार दे रही इसी ड्रेनेज के लिए। तो आज बड़े पैमाने पे
ड्रेनेज जो बात आप कह रहे हैं कि पहले शहरों की में ड्रेनेज नहीं होते थे, सीवरेज का नहीं होता था, जिसके कारण बारिश होने के बाद हर शहर में जलजमाव की स्थिति हो जाती थी। आज उस जलजमाव की स्थिति से निजात दिलाने के लिए भारत सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं। आप देखें, आज ही के दिन स्वच्छ भारत अभियान में जो एक पिछले नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से शुरू हुआ कि बेस्ट शहर कौन सा है, मतलब गार्बेज को उठाने में कौन सा है, कौन सा कैंटोनमेंट बोर्ड अच्छा है, कौन सा घाट अच्छा है, तो अभी अभी आया है कि इंदौर फिर फर्स्ट हुआ, सेकंड फिर से सूरत हुआ और थर्ड नई बम्बई हुई, और इसी तरह से घाट में वाराणसी हुआ। शहरों में आज लगातार भी वो फंक्शन चल ही रहा, तो ऐसा नहीं, एक बड़ा प्रयास हो रहा है कि उस स्वच्छ भारत में एक तो शहरों में भी सबको टॉयलेट देने की बात हो रही, और ODF हो गया, जो छूटे थे ODF प्लस हो गया, अब ODF प्लस प्लस भी योजना चलाई गई है कि कोई लेफ्ट आउट ना रह जाए, सब कोई खुले शौच से मुक्त हो चुका है, लेकिन कोई घर ऐसा ना हो। कम्युनिटी टॉयलेट अब बनना शुरू हो गया शहरों में, शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना भी शुरू हो गया, और गीला और सूखा जो कूड़ा है इसको भी डोर टू डोर कलेक्शन बहुत शहरों ने शुरू किया है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से दिल्ली में, मुंबई में आपने देखा, आज गुड़गांव में है, या पिछले दिनों पटना में हुआ, जयपुर में हुआ, तो हम अगली बैठक में हम जयपुर को भी बुला रहे हैं, पटना को बुला रहे हैं, गुड़गांव को बुला रहे हैं, और मुझे लगता है कि इसमें अच्छा काम हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी काम किए गए हैं सरकार की ओर से स्वच्छ भारत अभियान के तहत, लेकिन सवाल वही है कि थोड़ी बारिश में आखिर दिल्ली जैसे बड़े शहर, मुंबई जैसे बड़े शहर को इस तरह से पानी पानी क्यों होना पड़ता है? कैमरामैन राजेश कुमार के साथ प्रशांत, ABP न्यूज़, दिल्ली। ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।